हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं डिवोशनल स्टडी। आज डिवोशनल स्टडी में हम लोग बात करने वाले हैं सीएसएस फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी की। क्या होती है सीएसएस फ्लेक्स बॉक्स बॉक्स प्रॉपर्टी, आइए जानते हैं। सो दोस्तों, सीएसएस फ्लेक्स बॉक्स बेसिकली CSS3 का पार्ट है। ये एक नया फीचर, आई वुड से एक नया लेआउट मोड ऐड हुआ है CSS3 के अंदर। सो CSS जो फ्लेक्सिबल बॉक्स होते हैं, क्या होता है वैसे? ये एक तरह का फ्लेक्सिबल बॉक्स होता है, जो कि CSS फ्लेक्स बॉक्स के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। CSS3 फ्लेक्स बॉक्स बेसिकली हम लोग यूज करते हैं एलिमेंट्स के बिहेवियर को चेंज करने के लिए। जब व्हेन जब हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन साइजेस, जब अलग अलग स्क्रीन साइजेस हम यूज करते हैं, अगर हम कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हैं फोन पे, और सपोज एक कोई वेबसाइट हम ओपन कर रहे हैं लैपटॉप पे, सो हर डिवाइस का एक अपना स्क्रीन रेजोल्यूशन, एक स्क्रीन साइज होता है, राइट? सो ये बेसिकली क्या चेंज लाएगा अकॉर्डिंग टू इन द साइज ऑफ द फ्रेम वी आर यूजिंग। सो ये बेसिकली एक एफिशिएंट वे होता है लेआउट बनाने का। उनको उनमें जितने भी हम लेआउट में एलिमेंट्स यूज करते हैं, बॉक्स यूज करते हैं, या कोई भी ऐसा एलिमेंट यूज कर रहे हैं जो स्पेस ले रहा है एक लेआउट के अंदर, उस को एक एफिशिएंट वे में हम लोग अलाइन कर सकते हैं, स्पेस डिवाइड कर सकते हैं उनके बीच में, ऐसा स्पेस दे सकते हैं कि अगर हम वेबसाइट अपनी वेब पे खोले, यानी लैपटॉप में खोल रहे हैं या फोन पे खोल रहे हैं, तो दोनों में स्क्रीन रेजोल्यूशन, जो स्क्रीन साइज होगा, वो खराब नहीं लगना चाहिए। हम वी शुड बी हमको अपना जितना भी कंटेंट है वो रीडेबल होना चाहिए, और एक बेटर वे में, एक बेटर लेआउट उसका डिस्प्ले होना चाहिए हमारे डिवाइसेस पे, राइट? सो एक कंटेनर के अंदर ये पूरा काम करता है। सो हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली एक कंटेनर बना सकते हैं। वो कंटेनर क्या करेगा, उन एलिमेंट्स को अलाइन करेगा, उन एलिमेंट्स की लेआउट को एक इक्वल स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सो दैट हमारा लेआउट फ्रीक्वेंट मैनर में काम कर सके, राइट? ये बेसिकली यूज हम करते हैं CSS3 के अंदर, और ताकि हम इसके आइटम्स की हाइट विड्थ चेंज कर सकें, एंड जितना भी अवेलेबल स्पेस है अकॉर्डिंग टू दैट। सो ये हम लोग यूज करेंगे, जो हम लोग प्रीवियसली जितना हम यूज करते आए हैं वो एक ब्लॉक मॉडल होता है। तो ब्लॉक मॉडल के ऊपर इसको प्रिफर किया जाता है, क्योंकि ये काफी काफी यूजफुल है, यूजर फ्रेंडली है, आई वुड से। सो CSS3 फ्लेक्स बॉक्स कंटेन दो चीजें करता है। पहली चीज आती है एक फ्लेक्स कंटेनर, फ्लेक्स मीन्स फ्लेक्सिबल, सो फ्लेक्स कंटेनर, और दूसरा है आइटम्स। तो हम पहले एक कंटेनर बनाएंगे जिसको हम अगर रिसाइज करें तो उसके एलिमेंट्स भी अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ दैट कंटेनर अपने आप को एडजस्ट कर सके। सो दो चीजें जैसे मैंने बोली हम पढ़ेंगे इसके अंदर, जैसे कि होगा पहला कंटेनर और दूसरा होगा आइटम्स। सो फ्लेक्स कंटेनर जो होगा, जो फ्लेक्स कंटेनर होता है, ये स्पेसिफाई होता है एक तरह का, ये पेरेंट हो गया। जैसे अगर हम एक बॉक्स बना रहे हैं, उसके अंदर तीन बॉक्सेस दे दिया, अभी मैं एग्जांपल भी डिस्कस करूंगा इसका। तो अगर एक बॉक्स बनाया और उसके अंदर मैंने तीन बॉक्सेस डिफाइन कर रखे हैं, तो जो बड़ा बॉक्स होगा, जो कंटेनर होगा, वो पेरेंट हो गया, और जो अंदर के तीन बॉक्सेस हो गए वो चाइल्ड हो गए। तो कंटेनर एक तरह का पेरेंट है, और आइटम्स जो होंगे कंटेनर के वो चाइल्ड हो गए, राइट? उसके चिल्ड्रन हो गए सारे। तो जो फ्लेक्स कंटेनर होगा वो एक तरह का पेरेंट होगा, और इसको डिक्लेयर करने के लिए हमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है, राइट? जो हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, या तो हम उसको फ्लेक्स दे सकते हैं या हम इनलाइन फ्लेक्स दे सकते हैं। मैं डिस्कस करूंगा इन सब के बारे में आगे की ट्यूटोरियल्स में भी। सो हम एक वीडियो में इसको कवर नहीं करने वाले हैं, इसके पार्ट्स में हम लोग इसको कवर करेंगे, बिकॉज इसके अंदर काफी प्रॉपर्टीज हैं जो डिस्कस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे, राइट? सो फ्लेक्स आइटम दूसरी चीज जो आती है वो क्या होती है, जो आइटम्स हो गए बेसिकली स्पेसिफाई करते हैं प्रॉपर्टीज उनके चिल्ड्रन की, जो भी उनके चिल्ड्रन है। सो देयर आर लाइक एक भी आइटम हो सकता है,
एक कंटेनर के अंदर दो भी हो सकते हैं और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं एक फ्लेक्स कंटेनर के अंदर। तो अब चलते हैं, एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ठीक है। इस एग्जांपल के अंदर मैं ओपन कर देता हूं अपना कोड, तो आपको समझ में आएगा कि क्या बेसिकली हम बात कर रहे हैं, किस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, नॉर्मल एचटीएमएल कोड हमने यहाँ लिखा हुआ है। इस कोड के अंदर हमने बॉडी सेक्शन के अंदर एक कंटेनर डिवीजन बना रखा है, जो कि आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब इसके अंदर हमने तीन आइटम्स दे रखे हैं और जो कंटेनर है उसको कंटेनर क्लास के अंदर डिफाइन कर रखा है और आइटम्स को हमने आइटम क्लास के अंदर डिफाइन कर रखा है, सो दैट हम उसको सेपरेट कर सकें अकॉर्डिंग टू द फंक्शनैलिटी। अब बात करते हैं इसकी सीएसएस की, क्योंकि वही इसकी मेन पॉइंट है। सो कंटेनर, हमने कंटेनर क्लास यूज करी है, उसको डिस्प्ले प्रॉपर्टी दे रखी है फ्लेक्स। यही मैंने बोला था कि अगर हमें कंटेनर में फ्लेक्सिबिलिटी लगानी है, फ्लेक्स बॉक्स यूज करना है, तो उसके लिए डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लेक्स होनी चाहिए। अब हम यहां पर डिस्प्ले दे रखा है हमने फ्लेक्स विद, हमारे कंटेनर की विद है, इट्स नॉट द यू नो बॉडी, बॉडी अलग है, बॉडी हमारी ये है, इसमें हमने कोई क्लास नहीं रखी। तो हमने डिवीजन की विड्थ दे रखी है 400 पिक्सल और हाइट दे रखी है 200 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर हमने इसको लाइट पिंक दे रखा है और आइटम्स की बात करें तो आइटम्स हमने नॉर्मल कलर मार्जिन दे रखा है, यानी कि चारों तरफ से उसको मार्जिन मिल सकता है, ठीक है। तो रन करके देखते हैं इस कोड को और देखते हैं क्या आउटपुट हमारे पास आ रहा है। तो आप ये देख सकते हैं, ये एक तरह का फ्लेक्स बॉक्स है, राइट। सो फ्लेक्स बॉक्स के अंदर यहाँ 10 10 पिक्सल का मार्जिन है और ये सारे आइटम्स दे रखे हैं और इसकी जो डायरेक्शन है 1 2 3, ये बाय डिफॉल्ट रहती है ऐसे ही। अगर आपको इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो यहाँ पर आप डायरेक्शन प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, राइट टू, ऐसे कर दीजिए इसको RTL, यानी कि राइट टू लेफ्ट, सेव कर लेते हैं, देखते हैं अभी क्या चेंज होता है। तो आप देख सकते हैं चेंज हो गया और एक तरह की स्पेसिंग आप देखें, स्पेसिंग हमें लेफ्ट की चेंज होके राइट में हो गई, स्पेसिंग भी राइट से ही हम दे रहे हैं। तो इसकी स्पेसिंग की भी बात करेंगे आगे हम, इसको ग्रो और यू नो स्ट्रेच यूज करके बहुत सारी चीजें हम इसमें यूज करने वाले। तो ये फ्लेक्सिबल क्यों है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्रॉपर्टी एक तरह की फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी थी, हमने जैसे ही उसको चेंज किया डायरेक्शन को, उसके बॉक्सेस की यू नो चेंज हो गई, हमको सेपरेटली नहीं कुछ करना पड़ा। सो एक तरह का ओवरव्यू है ये फ्लेक्स बॉक्स के बारे में। इसके अंदर हम काफी सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं CSS3 फ्लेक्स बॉक्स के अंदर। जब हम उसको डायरेक्शन जैसे हमने अभी चेंज किया, अब इसमें हम अलाइनमेंट कैसे यूज कर सकते हैं, इसको रैपिंग कैसे करेंगे, कंटेंट कैसे इसका सेट करेंगे, फ्लो कैसे चेंज करेंगे, बहुत सारी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो मैं इसको अभी कट कर देता हूँ, ताकि हम जब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आगे डिस्कस करें तो हम इसके सेकेंड पार्ट पे मूव कर सके, क्योंकि एक अच्छा खासा टॉपिक है जिसमें हमें आराम से डिस्कस करना पड़ेगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। फॉर नाउ आई वुड से इफ यू हैव एनी एनी डाउट प्लीज मेंशन इन दिस कमेंट सेक्शन, एंड अगर आपको कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया है सो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।